हेलो गाइस एंड वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इससे पहले जो है जनरली हम लोग दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, अब ये तीसरा वीडियो है, तो ज़्यादा देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं इसको, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली तीन है, ठीक है, थ्री प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और जैसे टॉपिक का नाम ही है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो मींस कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या फिर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, तो तीन में से कोई भी इकोनॉमी होगी तो वो इकोनॉमी भी ये प्रॉब्लम्स को जनरली फेस करेगी, ठीक है। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। तो हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं कि पहली प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। सो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब जनरली, अब प्रॉब्लम कैसे आएगी, प्रॉब्लम तभी आती है जब हमारे पास ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारे में एक ही चीज सिलेक्ट करनी है तो फिर कुछ बचेगा नहीं। तो प्रॉब्लम क्या आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें। तो प्रोड्यूस करने के लिए दो चीजें हमारे पास अवेलेबल है, तो चॉइसेस आ गए बेसिकली कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। तो प्रॉब्लम क्या है कि कंज्यूमर गुड्स बनाए या फिर प्रोड्यूसर गुड्स बनाए, तो दोनों में से कोई भी बना दे प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है कि अगर हमने कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा किया तो प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा या फिर कम होगा, और अगर हमने प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा किया तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा। कंज्यूमर गुड्स कौन सा होगा, ऐसे गुड्स जो कि ह्यूमन बींग की नीड या वॉन्ट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हो। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से हो गए, इट कैन बी मशीन्स, लेबर, ये सारी चीजें होती है, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको मान लें, इस कैन बी ब्रेड एंड बटर, ठीक है, यहाँ पे हम मान सकते हैं गन्स हो सकते हैं, टैंक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके का एग्जांपल ले लिया, तो कंज्यूमर गुड्स में अगर ब्रेड एंड बटर और प्रोड्यूसर गुड्स में आ गया है गन्स का, टैंक्स का, मींस हम अपने डिफेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो दोनों में से प्रोडक्शन किसका करना, दैट इज अ मेन प्रॉब्लम, कि अगर हम इनका प्रोडक्शन करते हैं तो ये कहीं ना कहीं वीक हो सकता है, इनका प्रोडक्शन किया तो इनको दिक्कत होगी। तो प्रॉब्लम क्या आती है किसी भी गवर्नमेंट के सामने या किसी भी इकोनॉमी में, प्रॉब्लम ये है कि हम अगर इन दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो किसका कितनी क्वांटिटी में करें। सो प्रॉब्लम क्या है, इन विच क्वांटिटी द कंज्यूमर गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड द प्रोड्यूसर गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटी। तो क्वांटिटी इज द मेजर प्रॉब्लम। तो ये है हमारी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम जो कि कहलाती है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। अब अगर सपोज हमने डिसाइड कर लिया कि हमें किसका कितना प्रोडक्शन करना है, ये डिसाइड हो गया, अब उसके बाद क्या है कि उसको प्रोड्यूस का जो प्रोडक्शन करना है, जो प्रोसेस है उसका प्रोडक्शन का, वो कैसे करेंगे। तो हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में भी दो चीजें हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को हम लोग जनरली शॉर्ट में LID और इसको CID इस तरीके से बोल देते हैं। तो इनसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि LID और CID एग्जैक्टली होता क्या है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि हम जो भी चीज का प्रोडक्शन करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ लेबर करेंगे, मींस यहां पे कोई भी मशीनरी इन्वॉल्व नहीं होगी, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सेकेंड ऑप्शन इज नॉट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम मशीन के थ्रू करेंगे, मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड होगा यहाँ पे, तो कैपिटल अगर है तो क्या होगा, मशीन्स होगी। तो टॉपिक क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे। अब अगर हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर लिया तो क्या होगा, एक फायदा हो जाएगा, सोशल जस्टिस हो जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा कंट्री के अंदर, लेकिन सेम टाइम पे प्रॉब्लम क्या आएगी, टाइम टेकन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम CID का यूज करते हैं तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, मींस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन हमारा काफी तेज हो जाएगा, लेकिन दोनों में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि अगर हम LID यूज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन की स्पीड को स्लो कर देंगे लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट काफी सारा करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर हमने कैपिटल इंटेंसिव किया तो प्रोडक्शन बहुत तेज होगा लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री के अंदर बढ़ जाएगा। तो वही प्रॉब्लम आ जाती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम अगर इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, दोनों का यूज करेंगे तो कितना यूज करेंगे। सो दैट इज अ, ये प्रॉब्लम जो हमेशा बनी रहती है, हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड, सॉरी थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस,
अब प्रॉब्लम आती है कि हम किसके लिए बनाए। तो किसके लिए बनाने के दो ग्रुप्स होते हैं इसमें भी, पर्सनल और फंक्शन। अभी पर्सनल और फंक्शन जो है वो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये क्या है, तो पर्सनल को जनरली हम लोग बोलते थे रिजर्व सेक्शन, और फंक्शन होता हमारा पुअर सेक्शन। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या आती है कि अब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किसके लिए करें, पुअर सेक्शन के लिए या रिजर्व सेक्शन के लिए। अगर हमने प्रोडक्शन पुअर सेक्शन के लिए कर दिया तो क्या होगा, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर करना जरूरी है। अगर हमने रिजर्व सेक्शन के लिए कर दे तो क्या हो गया, मींस समझना इस चीज को कि अगर रिजर्व सेक्शन के लिए किसी चीज का प्रोडक्शन होगा तो वो क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है लग्जरी गुड्स होंगे जो ये लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारा ये जो पोर्शन होगा ये वायलेटेड हो जाएगा या फिर ये पूरी तरीके से इग्नोर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहले बात करें कि पूरे सेक्शन के लिए अगर प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होगा। पूरे सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया, इनको छोड़ दिया, इनके लिए ज्यादा प्रोडक्शन कर दे तो सोशल वेलफेयर हो गया। लेकिन सोशल वेलफेयर हो गया लेकिन इसका एक डाइवर्स इफेक्ट भी होगा। डाइवर्स इफेक्ट क्या होगा कि अगर हमने पूरे सेक्शन के लिए ज्यादा चीजें बनाई हैं तो प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया, कम होगा। प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम होगा तो अगली बार इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, लो जीडीपी, तो हमारी जीडीपी है वो भी कम होती चली जाएगी। अगर प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट कम होगा तो आगे जाके उनकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन और कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी कम होती जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम जो है जो जनरली हमेशा बनी रहती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।